नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जो इसमें आज काफी तेजी देखने मिला। अभी भी जो उसका जो हाईएस्ट प्राइस है, जो कि इस पैंडमिक सिचुएशन के पहले का प्राइस है, उससे काफी सस्ते वैल्यूएशन पर मतलब 20 रुपीज नीचे मिल रहा है। और ये मात्र स्टॉक जो है 37 रुपीज का है। 37 रुपीज का स्टॉक जिसमें अभी आगे 20 रुपीज से ज्यादा का मोमेंटम बाकी है और आज ये 20% का अपर सर्किट हिट किया है। तो चलिए इस वीडियो में हम उस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये देख सकते हैं उस स्टॉक्स का आज चार्ट है। आज देख सकते हैं इसमें कितनी तेजी आप यहां से देख सकते हैं, 6 रुपया से ज्यादा का तेजी आज इसमें देखने मिला। लो बनाया 30 रुपया 55 पैसे का, जो क्लोज हुआ था मतलब आज जो क्लोज हुआ 36 रुपया 95 पैसे पर, और हाई बनाया 36 रुपया 95 का ही, मतलब वहां पर अपर सर्किट लग गया। तो समझ सकते हैं कितना बेहतरीन ये स्टॉक्स है। आज इसमें 20% का अपर सर्किट, दिन में 6 रुपया से अधिक का तेजी आज इसमें देखने मिला। यहाँ पर देख सकते हैं ये कैंडल कितना लंबा है, यहाँ काफी दिन से ये इसी मतलब इसी प्राइस पर ये ऊपर नीचे कर रहा था। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो यहाँ पर नीचे का जो सपोर्ट लेवल है वह है 27 रुपया। ये सपोर्ट लेवल से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ये मूव कर रहा था ऊपर डाउन, और आज इसमें बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने मिला, बहुत बड़ा ब्रेकआउट, 20% का ब्रेकआउट देख सकते हैं। और ये जो अपना लो बनाया था वो 23 रुपये के आसपास बनाया था, और अपने लो से इसका देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा ये रिटर्न दे चुका है। अपने लो से 23 रुपये से ये जो 50% से ज़्यादा का मोमेंटम दिखा चुका है, 50% से ज़्यादा का मोमेंटम। और RSI देखिएगा तो 79 मतलब 80 रुपीज के आसपास जा चुका है, मतलब 80 के आसपास जा चुका है RSI। तो RSI साफ सिग्नल दे रहा है कि ओवरबाउट हो चुका है ये स्टॉक्स। लेकिन हम जो इसमें देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, तो पहले जो ये स्टॉक्स हुआ करता था फरवरी से पहले, मतलब इस पैंडमिक से पहले, वो ये 50 रुपीज से एवं मतलब 55 रुपीज के आसपास हुआ करता था। वहाँ से ये स्टॉक में भारी गिरावट आया पैंडमिक में, और यहाँ से अब फिर ये एक बार ब्रेकआउट दे चुका है। यहाँ से अगर हम सपोर्ट की बात करें तो इसका जो पहला सपोर्ट यहाँ पर बनता है वो सपोर्ट बनता है 30 रुपीज के आसपास, दूसरा सपोर्ट जो बनता है 27 रुपीज के आसपास, और जो सबसे मेजर सपोर्ट है वो 25 रुपीज। तो सबसे मेजर सपोर्ट जो इसका है वो 25 रुपीज है, उसके बाद उस जो इसके नज़दीक का सबसे सपोर्ट है वो 30 रुपीज, और उसके बाद 27 रुपीज और 25 रुपीज सबसे मेजर सपोर्ट है इसका। तो अपने मेजर सपोर्ट से ये 12 रुपीज ऊपर है। अब चलिए हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को आपको दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं आज ये 20% का अपर सर्किट हिट किया है। यहाँ पर हम आपको लॉन्ग टर्म का चार्ट दिखाएंगे। स्टॉक्स ज़्यादा दिन लिस्टेड नहीं हुआ है, बहुत ही कम दिन हुआ है लिस्टिंग होना इसका। तो यहाँ पर आप देखते हैं 54, 55 देख सकते हैं। तो यहाँ पर 55 रुपीज 60 पैसा, उसके बाद मैक्सिमम टाइम का चार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 2019 में ये कंपनी लिस्ट हुआ है, और वहाँ से ये अपना हाई बनाया 60 रुपीज के आसपास। यहाँ पर 52 भी खाए देखते हैं, 62 रुपीज 80 पैसा, और लो बनाया 23 रुपया 10 पैसा। तो देख सकते हैं कितना बेहतरीन स्टॉक्स है। अगर आप ये टिल डेट में देखेंगे तो यहाँ पर अपना जो लो बनाया यहाँ से आप देख सकते हैं कितना परसेंट का रिटर्न, 51% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दे चुका है, जो अपना 52 वीक लो बनाया 23 रुपये के आसपास वहाँ से। अब ये इसके फंडामेंटल एनालिसिस आपको करने होंगे और इसके मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा। और ये जो सब्सिडरी कंपनी है उज्जीवन जो फाइनेंस सर्विस है, उज्जीवन फाइनेंस सर्विस इसकी पेरेंट कंपनी है, ये उसकी सब्सिडरी कंपनी है। तो आपको इसके पेरेंट कंपनी, क्योंकि 80% स्टेक जो है उज्जीवन फाइनेंस के सर्विस के पास है, तो आपको उसके देखने पड़ेंगे बिजनेस को, और साथ साथ इसके बिजनेस को आपको जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में अगर इन्वेस्ट करनी है तो इसके पूरे फंडामेंटल एनालिसिस करने पड़ेंगे। आप आगे आने वाला जो समय है उसमें कैसा परफॉर्म कर सकता है ये बैंक, तो सारी चीज़ देखने के बाद तब पर आपको इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है इसमें। अब हम आ जाते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस में। सबसे पहले इसका वैल्यूएशन देख लीजिए, तो PE 18 का है जबकि इंडस्ट्री का 25 का है। ये इसका मार्केट कैप देख लीजिए 6,394 करोड़ है, मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी है। बुक वैल्यू देख लीजिए 13 का है, और प्राइस टू बुक वैल्यू कितना का है 2.83 का। वहीं फेस वैल्यू देखते हैं 10 का है, और डिलीवरी 57% क्वांटिटी इसमें डिलीवर हुई है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं इसके हम फाइनेंशियल पर, तो इसमें बैलेंस शीट को देख लेते हैं सबसे पहले, और उसके बाद जो इसका अलग अलग पैरामीटर्स है, जो रेशियोज है उसको देख लेंगे।
तो सबसे पहले इसका बैलेंस शीट को देख लीजिए। तो कंपनी के पास जो रिजर्व है, कंपनी के पास जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो है 1259 करोड़ का रिजर्व और सरप्लस। वह डिपॉजिट जो है कंपनी के पास वो है 10,000 करोड़ का, और बोरिंग जो है वो 3,953 करोड़ का, और जो अदर लाइबिलिटीज और प्रोविजन है वो 489 करोड़ का। उसके बाद आगे देखते हैं कैश एंड बैलेंस विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वह है 1,224 करोड़ का, और बैलेंस विथ बैंक्स मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस 118 करोड़। तो सारे चीज़ यहाँ पर देखते हैं, जो एडवांसेस कितना का है, इन्वेस्टमेंट कितना का है, फिक्स्ड एसेट कितना का है, अदर एसेट कितना का है। तो ये मॉडर्न बैलेंस शीट है, मतलब ये जो न्यू बैलेंस शीट है वही आप इसके ओल्डर फॉर्मेट में जाकर के ओल्डर फॉर्मेट भी देख सकते हैं। तो कंपनी के पास रिजर्व भी ठीक ठाक है, उसके बाद जो डिपॉजिट है वो भी ठीक ठाक है, मतलब अभी कंपनी स्टार्ट ही हुई, इनिशियल इसका टाइम है। यहाँ पर देखते हैं रिजर्व आपको दिखा जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, डिपॉजिट देख सकते हैं 7,000 करोड़ एवव है, बोरोइंग 4,000 करोड़ है, वहीं आप लाइबिलिटीज और प्रोविजंस देखते हैं 377। तो ये है ओल्ड फॉर्मेट, कैश एंड बैलेंस विथ RBI, बैलेंस विथ बैंक एंड मनी एट कॉल, यहाँ पर देखते हैं 648 करोड़। तो एडवांस कितना है, टोटल एडवांसेस कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, तो सारा चीज़ यहाँ से आप देखते हैं। फिर बुक वैल्यू यहाँ से आप देखते हैं, तो ओल्डर फॉर्मेट में आपको यहाँ बुक वैल्यू दिखाता है, बुक वैल्यू काफ़ी बिल्डअप हुआ है, 11 का बुक वैल्यू जा चुका है, पहले 10 का हुआ करता था। तो ये सारी चीज़ जो है पॉजिटिव चीज़ें थी। तो कंपनी के पास जो बैंक है, जो फाइनेंस सर्विस कंपनी है, उसके पास डेप्ट होगा ही, क्योंकि वो बीच का इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो अर्न करती है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आप इसका देख सकते हैं, इसका जो बेसिक EPS है, अर्निंग पर शेयर देखते हैं, 2 रुपीज़ जा चुका है, पहले 1.20 रुपया था, अब इससे 2 गुना हो चुका है मार्च क्वार्टर में। और फिर डायल्यूटेड EPS भी देख सकते हैं। फिर यहाँ पर जो आपको डिविडेंड देखना है, तो डिविडेंड अभी कंपनी पे नहीं करती, क्योंकि कंपनी अभी ग्रोथ पर फोकस करती है। फिर नीचे चलते हैं, तो रिटर्न ऑन एसेट देख सकते हैं, फिर रिटर्न ऑन इक्विटी देखें कितना बेहतरीन है, 12% का, 10% का, मतलब ये अभी 2 साल से काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, पिछले 2 साल काफ़ी कम था, जबकि पिछले मार्च के 19 के फाइनेंशियल और 20 के फाइनेंशियल में काफ़ी बेहतरीन हुआ है। फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर देखते हैं 3.55, ये थोड़ा सा कम है। CASA का रेशियो देख, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, तो ये 0 हो चुका है मार्च क्वार्टर में। तो ये एक नेगेटिव थिंकिंग है, मतलब एक नेगेटिव चीज़ है इस बैंक के साथ, कि जो CASA है, जो कासा है, वो 0 हो चुका है। तो आपने देख लिया इसके सारे पैरामीटर्स, और यहाँ कॉर्पोरेट एक्शन में जा करके भी आप अगर आपको देखना है कोई भी चीज़, तो यहाँ पर देखते हैं। फिर यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, 83% यहाँ पर देख लीजिए, 83% प्रमोटर के पास है, प्लीज शेयर 0 है, तो प्लीज शेयर 0 है। FI के पास 5%, DI के पास 5% से ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पर आप जो भी देख सकते हैं, अदर के पास 5%, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक जो है वो प्रमोटर्स के पास ही है। फिर यहाँ से वैल्यूएशन पे क्लिक करके वैल्यूएशन आपने देख ही लिया, तो आपने सारे पैरामीटर्स देख लिया। अगर आपको ये लगता है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग से स्टॉक है, फिर आगे इसमें काफ़ी ग्रोथ की पोटेंशियल है, मतलब कंपनी काफ़ी आगे ग्रो कर सकती है, तो आप इसमें निश्चित इन्वेस्ट करें। और आपका इन्वेस्टमेंट का जो प्राइस होना चाहिए वो 30 रुपीज़ के आसपास होना चाहिए। अभी तो स्टॉक्स काफ़ी मूव कर चुका है, तो आप इसमें करेक्शन का थोड़ा वेट कर सकते हैं, मार्केट के गिरने का वेट कर सकते हैं। अगर मार्केट में गिरावट आती है, निश्चित है इसमें भी गिरावट आएगी, और साथ साथ Q1 का रिजल्ट कैसा आता है उसका भी वेट कर सकते हैं। सारे एनालिसिस आपको करना है कि जो रिजल्ट आता है वो कैसा आता है। यहाँ फाइनेंस में जाकर के आप इसके सेल्स को देख सकते हैं, प्रॉफिट को देख सकते हैं। यहाँ पर हम नीचे जाते हैं तो देखते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट है, यहाँ पर लगातार कांस्टेंट है, थोड़ा सा मार्च क्वार्टर में डिक्रीज हुआ है प्रॉफिट। यहाँ पर सेल्स देखिएगा, सेल्स इंक्रीज हुआ था लेकिन प्रॉफिट थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। यहाँ पर NPA देख सकते हैं, ग्रॉस NPA देखते हैं इतना है, वहीं तो नेट NPA 27 का है, तो जो कि नेट NPA देखते हैं पिछले ईयर से काफ़ी इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर ये सारा कंपेयर आप कर सकते हैं, नेट NPA जो परसेंटेज में, यहाँ पर देखते हैं परसेंटेज में नेट NPA डिक्रीज हुआ है। तो ये आपको सारा चीज़ यहाँ पर एनालिसिस कर लेना है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो पिछला क्वार्टर है उसमें नेट NPA काफ़ी डिक्रीज हुआ है, लेकिन जो हमारा ग्रॉस NPA है वो इंक्रीज हुआ है। तो सारे पैरामीटर्स को देखने के बाद आपको
मतलब डिसीजन लेना है, क्योंकि मनी आपका है, फाइनल डिसीजन आपका होगा, आप अपने ऊपर रिस्पांसिबिलिटी भी लेंगे जब इन्वेस्ट करेंगे। सारे पैरामीटर्स देखने के बाद आपको इन्वेस्ट करना है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लेना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।